कोरोना कंट्रोल का योगी मॉडल लगातार 36वें दिन भी कमाए यूपी में कोरोना के मामले। आइए आपको बताते हैं बीते 24 घंटे में क्या अपडेट है। बीते 24 घंटे में 1000 नए केस सामने आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 20,000 से कम सक्रिय केस रह गए हैं और एक्टिव केसेस की कुल संख्या 19,431 है। 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 मामले सामने आए थे। विशेषज्ञों ने रोज 1 लाख आने तक की आशंका जताई थी, लेकिन सीएम योगी की सतत निगरानी, 3T फॉर्मूला, ट्रेस टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रित होता दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में कुल 3 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी अकेला राज्य है। रिकवरी रेट 97.6% है यूपी का। तो 24 घंटे में कोरोना के 1000 नए मामले सामने आए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, कहां तो विशेषज्ञ 1 लाख तक आंकड़ा जा सकता है एक दिन में नए संक्रमण का, ये आकलन कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 3T फॉर्मूले और मुस्तैदी से ये ग्राफ धीरे धीरे ढलान की ओर है और अब तो 1000 से भी कम मामले सामने आए। आस्था ये कोरोना कंट्रोल का योगी मॉडल है, जैसा का सरकार का दावा है। यूपी में अब पॉजिटिविटी का रेट जो है वो 0.3% रह गया है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है और ये सुखद बात भी है। लगातार 36वें दिन भी कम आए उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले। 24 घंटे में सिर्फ 1000 नए केस आए हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। अब प्रदेश में 20,000 से कम सक्रिय केस रह गए हैं, ये भी एक सुखद खबर है। सक्रिय केसों की कुल संख्या 19,431 है। 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 मामले आए थे। विशेषज्ञों ने रोज 1 लाख आने की आशंका जताई थी कि सक्रिय मामले आएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सतत निगरानी और टेस्ट और आप ट्रीट फार्मूले ने उत्तर प्रदेश को नियंत्रण की स्थिति में लिया दिया है। 24 घंटे में कुल 3,00,009 टेस्ट हुए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी अकेला राज्य है पूरे देश में। तो योगी आदित्यनाथ का जो ट्रेस टेस्ट और ट्रीट का जो फार्मूला है पूरे देश में, उसकी प्रशंसा की जा रही है और प्रशंसा इस लिहाज से की जा रही है कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति हुई है। देखिए, कोरोना की जब विभीषिका हुई थी तो उत्तर प्रदेश की जो परिणत पूरे संसार में की गई और जिस तरीके से सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया, वो पूरे विश्व के नजरिए पर यूपी की छवि को खराब की गई। लेकिन जो सतत प्रक्रिया है, जो कोशिश है, जो निगरानी है, जो फार्मूला है, योगी आदित्यनाथ की मेहनत है, इसके मद्देनजर ये जो नियंत्रण है यूपी की जनता के लिए, देश के लिए बहुत ही सुखद खबर है आपका। क्योंकि लगातार 36वें दिन भी अगर यूपी में मामले कम आए हैं, जैसा कि एक्सपर्ट ये दावा कर रहे थे कि रोज 1 लाख आएंगे, सक्रिय मामले आएंगे, ऐसे में तो पूरे यूपी में दहशत का माहौल था, देश में दहशत का माहौल था, एक्सपर्ट परेशान थे, सरकार परेशान थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोरोना पॉजिटिव हुए और वो जब होम क्वारंटीन थे, उसके बाद से डॉक्टरों ने ये कहा कि आप नहीं निकलिए, घर से बाहर मत जाइए, आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए। लेकिन ठीक होने के साथ ही निगेटिव वो फौरन ग्राउंड पर दिखे, एक एक मंडल का उन्होंने दौरा किया, हर मंडल में अस्पतालों का अलग से निरीक्षण किया, पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक की, और एक कड़ाई उन्होंने एक बार फिर से दिखाई। 3T फॉर्मूला जिस विजन से बनाया गया था वो लागू हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, इसका ध्यान रखा गया और यही वजह है कि आज यूपी में कोरोना का ग्राफ ढलते ढलते इस जगह आया है कि एक दिन में 1000 से भी कम मामले सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए वीरेश।